नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे शलगम का भरता। बहुत ही टेस्टी भरता बनता है, सभी को पसंद आता है और बड़ी आसानी से बन जाता है। तो आइए शलगम का भरता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये चार शलगम लिए हैं। पहले इसे धोकर ले लिए हैं सुखाकर, अब हम इन्हें छील लेते हैं। छीलने के लिए हम पीलर का यूज करेंगे, चाकू से भी छीला जा सकता है। हम शलगम का ये हेड काट देंगे और इन्हें पानी में डाल देते हैं, धो लेते हैं। इधर हम अपना गैस ऑन कर देते हैं, कुकर गर्म होने देते हैं। हम शलगम को आधा आधा इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। शलगम काटकर तैयार कर लिए, कुकर गर्म हो गया है। इसमें हम दो छोटे चम्मच तेल डाल देते हैं, तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, तेल में हम जीरा डाल देते हैं। गैस धीमी कर देते हैं ताकि मसाले जले ना। आधा पिंच हींग, हमने एक छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट हम डाल देते हैं। हमने हल्दी पाउडर लिया है एक चौथाई छोटी चम्मच, आधा हम अभी डाल देते हैं। धनिया एक चम्मच लिया है हमने, आधा हम अभी डाल देते हैं। मसाले को हल्का सा भूनेंगे और अब हम ये शलगम डाल देंगे। हमने आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च लिया है, इसमें से हम आधा लाल मिर्च डाल देंगे और एक छोटी चम्मच हमने नमक लिया है, आधा नमक डाल देंगे। शलगम को मसालों के साथ एक मिनट भून लेते हैं और अब हम इसमें एक चौथाई कप पानी डालेंगे। मिला देते हैं, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, गैस तेज कर देते हैं और शलगम को एक सीटी आने तक पकने देंगे। इधर कुकर में शलगम उबलकर तैयार हो रहे हैं, इधर हम उनके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में हम एक टेबल स्पून तेल डालेंगे और गर्म होने देंगे। कुकर में सीटी आ गई है, हम गैस धीमी कर देते हैं और धीमी गैस पर शलगम को 5 मिनट उबलने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, तेल में हम ये बचा हुआ जीरा डाल देते हैं। गैस धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। बचा हुआ हल्दी पाउडर, बचा हुआ धनिया पाउडर, अदरक का पेस्ट, मसालों को हल्का सा भून लेते हैं। दो टमाटर और दो हरे मिर्च लिए हैं, इनका हम पेस्ट बनाएंगे। तो ये पेस्ट हमने पहले से बनाकर ले लिया है, ये पेस्ट हम मसाले में डाल देंगे। गैस मीडियम कर लेंगे और मसाले में हम ये लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे तेल अलग ना होने लगे। अगर आप इसमें लहसुन प्याज डालना चाहते हैं तो जीरा भुनने के बाद आप एक छोटी प्याज और 4-5 लहसुन की कली बारीक कतर कर डाल दें और उन्हें गुलाबी होने तक भूनें। बाकी सारी चीज़ें इसी तरीके से डालकर भरता बना लें। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो शलगम तो हमारे उबलकर तैयार हो गए हैं, लेकिन हमें तब तक वेट करना होगा जब तक कि कुकर का प्रेशर ख़त्म नहीं हो जाता और हमारा ये मसाला हम इस चूल्हे पर रख करके तैयार कर लेते हैं। ये मसाला हमारा लगभग भुनकर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कि तेल ऊपर आने लगा है। हमने आधा कप मटर के दाने लिए हैं तो ये हम मसाले में डालेंगे और मिक्स कर देंगे। मैं भरता मटर डालकर बना रही हूँ, अगर आपको ना पसंद हो तो नहीं डालें। इसे हम ढककर 3 मिनट मीडियम आग पर पकने देंगे। हम इसे चेक करते हैं, मटर को दबा कर देखते हैं कि मटर सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो मटर दब रहे हैं, टूट रहे हैं, मटर सॉफ्ट हो गए हैं। एक छोटी चम्मच चीनी, चीनी ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो नहीं डालें, लेकिन शलगम के भरता में चीनी का टेस्ट अच्छा लगता है। और ये बचा हुआ नमक, इनको हम मिला देते हैं। कुकर खोल के देख लेते हैं, कुकर भी खुल गया। शलजम को हम मैश कर लेते हैं। देखिए शलजम पूरे अच्छे तरीके से उबल गए हैं, मैश हो रहे हैं। हमने शलगम को मसालों के साथ उबाला है,
ताकि इसमें मसालों का स्वाद अच्छा आए। अब हम इसे मसाले में मिला देंगे और ये चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है ये हम डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिलने तक मिलाएंगे और इसे ढककर हम 2-3 मिनट पकने देते हैं। गैस मीडियम रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। हमने ये आधा नींबू लिया है, हम इसमें आधा छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे। तो पहले हम प्याली में निकाल लेते हैं, बस काफ़ी, और अच्छे तरीके से मिला देंगे। आपको अगर ज़्यादा खट्टी सब्जी खानी हो तो नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा डाला जा सकता है। सब्जी बनकर तैयार है, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। शलगम का भरता बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी भरता बना है। इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देते हैं। शलगम का भरता चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं और इतना भरता परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप शलगम का भरता बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।